आइए हम मिलते हैं स्वामी आनंद गीतम, जो ओशो के पुराने सन्यासी हैं, और आज यहाँ सरिता माँ के यहाँ पर अमृत दिवस है, तो उस मौके पर उनसे हमारी मुलाकात हुई है, तो हमें अच्छा लगा। आइए हम उनसे खुद बात करते हैं। स्वामी जी, काफ़ी दिनों से आप संन्यास में हैं और ओशो से भी मिलने का मौका आपको मिला है, जी, तो हम जरा चाहेंगे कि आप अपने अनुभव हमारे दर्शकों के साथ में बांटें। किस तरह से आपका ओशो में जाना हुआ, ओशो से मिलना हुआ, क्या वो स्थितियां थीं जब आप वहां गए, कैसे आपके जीवन में भगवान उतरे, कुछ अच्छी अच्छी यादें हों तो बताएं। 1980 में घटना है, ओशो की सन्यासी जो नागपुर में रहती थी, वो हर समय मैं जब भी घर से निकलता था, जाते रहता था, कॉलेज जाता था, इधर जाता था, मेरी तरफ देखते रहते। तो एक दिन उन्होंने हमें पकड़ लिया और बोला कि तुमने कभी ये भी बताया नहीं कि मैं आपके तरफ देखते रहे, कभी हमने हंसने की भी कोशिश नहीं की, तुम्हारे मुख में कभी हंसी भी नहीं देखी मैंने। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं आपसे डर रहा था, क्योंकि मैं आपके तरफ जब भी मैं देखता हूँ तो आपके चेहरे की जो मुखाकृति से मैं डर रहा था। तो बोले मेरे से डरने की क्या क्या है। तो बोले मैंने बोला कि नहीं, मैं आपके तरफ देखूंगा एक वयस्क महिला के अंदर, तो आपके मेरे प्रति क्या विचार रहेंगे, इस चीज़ से मैं डरता था। और मेरे बाकी तो आप तो बहुत काफ़ी सुंदर स्त्री हो और अलग सा चेहरा है आपका, बड़ा और तेज है चेहरे। तो बोले कि मैंने आपको मैं क्या हूँ ये बताने की कोशिश बताने के लिए नहीं कहा, मैंने आपको ये कहा कि आप क्या हो ये आप जानते हो क्या। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि तुमने अपना कभी चेहरा देखा क्या। बोला तुम्हारे चेहरे में जो तुम्हारा फोरहेड है वहाँ पे एक होल है, गड्ढा है। तो ये जो गड्ढा है ये आप जानते हो किस चीज़ का। बोला मैं नहीं जानता। तो बोले ये तुम्हारी पुरानी जो इसकी यात्रा है उसका संकेत है। अच्छा, तो बोले कि ये आप बहुत बड़ी बड़ी पास्ट लाइफ में भी आपने काफ़ी यात्रा की है, इसका संकेत। मतलब मैं ये सब चीज़ों से बहुत दूर हूँ, मुझे इसका कुछ भी पता नहीं है, और मुझे ये स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म वगैरह मेरे लिए एक नया खेल है। तो वो जब मैंने ये खेल है बोला तो बोला वो एकदम आश्चर्यचकित होगी कि बोले ओशो भी हमारे यही कहते हैं, सब वो भगवान श्री रजनीश के नाम से जाने जाते हैं। तो बोले ओशो भी हमारे भगवान श्री भी यही कहते कि ये स्पिरिचुअलिटी एक प्ले है। तो उन्होंने हमें बोला कि चलो मेरे घर चलो। तो बोला मैं नहीं, आज मैं नहीं आ सकता, मैं कल आऊँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी चलो। बोला नहीं मैं अभी नहीं आ सकता। तो बोले क्यों, मैंने बोला क्या बात है। तो बोले मैं आपको एक किताब देना चाहता हूँ। अच्छा, और मैं चाहती कि तुम वो किताब पढ़े। बराबर, तो मैंने बोला कि मैं तो फिर मैं इच्छुक होकर उसके घर पे अंदर गया। तो मुझे याद है कि वो मेरे बगल में आके ऐसी बैठी थी मरुण रूप में, जैसे बच्चे के साथ में बात करती वैसे मेरे साथ वो बात करती। अच्छा, तो बोले कि ये किताब है, ये किताब मैं चाहती कि आप पढ़ें। तो मैंने बोला ये बहुत महान इंसान है, मैं इसकी किताब पढ़ने के लायक नहीं। अच्छा, आप जानते थे उससे पहले उसको? अवश्य को जानता था। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सन्यासी नागपुर में ये भगवा कपड़ा पहनते घूमते थे। अच्छा, अच्छा। मेरे घर के सामने ही एक सन्यासी रहता था। अच्छा अच्छा, तो मैं जानता था उसको। तो उन्होंने कहा कि किताब है आप पढ़ो। तो बोला नहीं नहीं मैं नहीं पढ़ सकता हूँ और ये मेरे लायक नहीं है ये किताब, मैं इस किताब के लायक नहीं हूँ। तो बोला नहीं नहीं ठीक है। तो बोले नहीं नहीं आपको ये पढ़ो, मतलब मुझे एक दिन का समय चाहिए। बोला ठीक। तो बोला मैं कल 5 बजे मैं आऊँगा। मैं 3 बजे अपने कॉलेज से आ गया था और मैं देख रहा था 4 बजे से उसका चक्कर मारना चालू हो गया, ये आ रहा कि नहीं आ रहा। उसने मेरी साइकिल जब मैंने लगाई घर पे आके स्टैंड पे लगाई वो भी उसने देखा, सब कुछ देखने गया। मैं 5 बजे नहा धो के 5:05 बजे मैंने घर में पहुँचा।
तो मैंने बोला कि कहीं ये तो नहीं है ये कि तब की जब तक आप मृत्यु को नहीं जानते हो, जीवित जीवन में मृत्यु का दर्शन नहीं करते हो, तब तक आप जीवन में वो पार नहीं हो सकती, ये तो नहीं कहती है ये किताब। तो बोले यही यही चीज़ कह रही है कि जब तक जीवन में आदमी मृत्यु का दर्शन नहीं हो पाएगा तब तक आदमी मृत्यु के पार नहीं जाएगा। जब मैंने देखा तो किताब का नाम है मैं मृत्यु सिखाता हूँ। अच्छा, और ये किताब एक बहुमूल्य किताब है ओशो की, कि जब तक इसका कहना यही है कि ओशो यही बताना चाहते कि जो भी आपने लाया है वो इस संसार के माध्यम से आपके पास में आया है। और ये आपके पास आया है, आपने लाया नहीं है। ओके, आपके पास आते रहा है और ये आपके पास जमा हुआ। ये सारी चीज़ें जो जमा हुई है जब तक बाहर नहीं जाएगी तब तक एक नए मनुष्य का जन्म आप में नहीं हो सकता। ओके, एक नए मानव के रूप में आप नहीं आ सकते, क्योंकि ये सारी जो घटनाएं घटी है, सारे अनुभव है, सारे कल्चर है, संस्कृति है, जो भी आपको बताया गया है, ये सारी चीज़ें हमें छोड़ना है। छोड़ के जब हम भीतर में जब पूरे सब चीज़ें जब ड्रॉप हो जाएंगी तभी हमें हमारे भीतर का अनुभव होने की संभावना है। और ये मृत्यु की दशा है, जैसे मृत्यु की दशा इसीलिए है कि जब भी हम इस स्थिति में जाते हैं तो बाहर क्या हो रहा है इससे हम पूरे दूर हो जाते हैं। और मृत्यु में भी यही स्थिति है, जब बाहर क्या होता है वो बराबर। तो ये पहली किताब है मैं मृत्यु सिखाता हूँ, उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। और 1984 में मैं पहली बार ओशो के आश्रम में गया, पुणे में गया। आप रहते थे नागपुर में? मैं नागपुर में, और मैं पुणे में आया था। सेंटर में बाहर से बाहर ही गया, सेंटर में काफ़ी बड़े बड़े घास हो गए थे, बहुत सारी। हाँ, 84 में तो वो अमेरिका में थे, वो अमेरिका में थे और तब मैं गया। मेरे माँ झरीन के हाथ से मेरा संन्यास है। किसके? माँ झरीन जो है। अच्छा, के हाथ से मेरा संन्यास है, संन्यास का मेरा नाम। तो ओशो यहाँ पर नहीं थे, उसके बावजूद भी यहाँ पर गतिविधियाँ और संन्यास देना वो सब चलता? सब चल रहा है। ओके, सब चल रहा था। हाँ, आप बोल रहे हैं, संन्यास नाम आपका? मेरा नाम स्वामी आनंद गीतम है। और ये नाम देने के पहले जब हमें एक पर्ची भरनी पड़ती थी, उस पर्ची में मैं लिखा था कि मैं जब ओशो को पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता कि भीतर वो मेरे बात कर रहे हैं, जैसे उन्होंने जैसी वैसी बात की होंगी वैसी चीज़ मेरे सामने भीतर में आती है। इसीलिए शायद मेरा नाम ओशो को आनंद गीतम दिया है। अच्छा, मेरा लीगल नेम है विजयानंद। विजयानंद, इन्होंने बोला कि ध्यानी को विजय की आवश्यकता नहीं है, इसलिए विजय की पर्ची उन्होंने काट ली। अच्छा, आनंद रखा। और मैं गीत सुनना ज़्यादा पसंद करता था। अच्छा, मेरा नाम स्वामी आनंद जी। ओके, कहाँ पर स्वामी जी? ये तो रहा आपका वहाँ, अभी थोड़ा आपका बर्थ ब्रॉटअप जान लें, कहाँ पर आपकी पैदाइश हुई? मैं नागपुर का रहने वाला हूँ। हाँ हाँ, बेसिकली पाँच भाई बहन है। अच्छा अच्छा, मेरे पिताजी रेलवे में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे। मेरी माँ भी एक संबुदी संदेश धारी है जो बुद्ध के माध्यम से गई है। अच्छा, और वो संबोधि प्राप्त हुए। मेरे माँ से भी मेरा जब पहला वार्तालाप हुई उन्होंने कहा था कि आप किसी के भी माध्यम से जाओ, फाइनली हमें एक ही जगह मिलना है। ओके, और उन्होंने बताया विधि का भी, उन्होंने कभी मुझे फोर्स नहीं किया कि तुम यही विधि अपनाओ। अच्छा, इसी करो, यही रहन करो, ऐसा करो, ये करो, उन्होंने कभी नहीं। जब आप ओशो के संपर्क में आ गए, ओशो में संन्यास ले लिया, नाम आपको मिल गया, तब आपके माता पिता की, आपके घर वालों की क्या प्रतिक्रिया थी? घर वाले की, मैं क्रमशः मैं चौथे नंबर पे हूँ। ओके, तो काफ़ी मुझे सहना पड़ा। अच्छा, बड़े भाई वगैरह बोले कि ये इतने जल्दी जल्दी क्या जरूरत है ये सब करने की, लेकिन किसी ने मुझे द्वेष नहीं किया। अच्छा, कि बोला ये ठीक है, लेकिन उस समय संन्यास का जो माहौल था बहुत अलग था और बहुत बुखार था लोगों की में संन्यास। हाँ, जैसे संन्यास है वैसा संन्यास नहीं। हाँ, पागल था, काफी बुखार था लोगों, बहुत ताप था जी। और वो दीर्घाशय से लोग जाते थे, कितने बार तो मैं बिना चप्पल से ओशो के आश्रम में गया। ऐसे क्या हो जाता था ऐसे कभी कभी? अच्छा, वहाँ क्या एक्टिविटीज रहती थी? जैसे कुछ दिन के लिए जाना होता है या वहीं रहना होता था, क्या रहता था? नहीं, वो आश्रम में रहने की पहले से ही कोई सुविधा नहीं। अच्छा, और बाहर में डॉर्मेट्रीज की व्यवस्था थी,
वहाँ पे लोग जाते थे, रहते थे, रहने खाने की, खाने की पूरी व्यवस्था आश्रम में थी, बुफे सिस्टम पहले से ही था। आज काफ़ी उसमें बदलाव हुआ है, लेकिन उस समय में बफेट सिस्टम होता था जी, और उसमें खाना आश्रम से ही खाता। ओके, फिर आपको दर्शन ओशो से, ओशो दर्शन आपको कब हुए? 1987 में दर्शन। अच्छा, लेकिन तब ओशो से पर्सनली मिलना बंद हो गया था। हाँ, उस टाइम तो क्योंकि उसके लिए बेसिकली जो वो दर्शन डायरीज करके जो ओशो करते रहे थे वो पहले बंद कर दिया था, जैसे ओशो अमेरिका में गए थे। दर्शन डायरी एक में वो ऐसा अवसर रहता था सन्यासियों को, जो ओशो के पास जाके अपनी बातें कह सकते। अच्छा, ओशो जब अमेरिका से आए तो उनको काफ़ी शारीरिक वेदना ज़्यादा थी, ज़्यादा थी, वो शाम को लेक्चर्स में अवेलेबल रहते थे, तो उनका प्रेजेंस ही बहुत महत्वपूर्ण रहता था। तो उन शाम को जो रहता था उसमें आप रहते थे? अच्छा, ज़्यादा नहीं रह पाया, ज़्यादा नहीं, लेकिन जब जब भी जा सका मैं गया हूँ। गया है और रहे हैं वहाँ से, दर्शन हुए आपको, और काफ़ी दीवानापन उनके तो शाम के जो सत्संग होते थे उसमें, क्या दीवाने लोग थे। वो दीवाना आप बिल्कुल सही कह रहे हो, एक दीवानगी थी अभी तो, और उसमें एक यानी कि मैं, मेरा जो अपना अनुभव है कि उस समय भी हमें कुमारी थी, हम कुमारी में ही थे लेकिन बेहोश कुमारी थी। अच्छा, होश भरी कुमारी नहीं थी। आज भी हम कुमारी में हैं लेकिन होश भरी कुमारी, बस फर्क इतना ही पड़ गया, बाकी उस जमाने भी हम कुमारी में ही रहते थे जी, और बट वो बेहोश कुमारी। तो ये जो होश जागृत हुआ आपका, ये इसका कुछ सिलसिला अगर आपको याद आता हो तो मैं जानना चाहेंगे ये किस तरह से। बेसिकली मेरा होश जागरण के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि मैं सबसे ज़्यादा, मुझे कुंडलिनी ध्यान में ज़्यादा पहले से रस था, डायनामिक में बहुत कम कर पा रहा था, थोड़ा सा मेरा हाइट का भी प्रॉब्लम था इसलिए मैं डायनामिक कम करता था। कुंडलिनी से मुझे सबसे ज़्यादा राहत मिली, और सबसे ज़्यादा जो रेचन की प्रक्रिया है जो कुंडलिनी से मुझे काफ़ी राहत, बल्कि मैं 1992 के बाद में मैंने सक्रिय ध्यान करना बंद कर दिया। और से कुंडलिनी ध्यान क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? कुंडलिनी यानी जो हमारी जो नीचे का जो चक्र है, जो हमारा इसको कुंडलिनी चक्र कहते हैं, उसमें सारी ऊर्जा जागरूक है, सारी ऊर्जा जो है वहाँ पे केंद्रित है, और वही ऊर्जा हम जागरण में ऊपर लाते हैं, ऊपर लाते हैं, और ऊपर लाके हम उसमें ध्यान में उसका उपयोग करते हैं। ओके, ये भीतर में सोई हुई ऊर्जा है जिसको हम जगाते हैं कुंडलिनी ध्यान में। तो जिसे डायनामिक में करते हैं उसमें रेचन है, और उससे पहले ये है तेज तेज सांसों को छोड़ना है, इसमें भी वैसा ही है या कुछ अलग? नहीं, सांस नहीं, सांस का इसमें बेसिकली चार चरण होते हैं। इसमें बेसिकली आपको पहला जो चरण है आपको शरीर जो है उसको शेक करना है, वाइब्रेट करते हैं, शेकिंग करना है। तो जैसे ओशो बताते हैं उसमें वो शेकिंग अपने आप होने में वो ज़्यादा नेचुरल है, तो ओशो के इसमें अगर शेकिंग अपने आप हो जाए तो उसका ज़्यादा महत्व है। ओके, तो बट सरलता जो टेक्निक है जो नए सन्यासियों में मदद करता है वो ये है कि थोड़े से हमारे जो घुटने हैं उसको थोड़े फोल्ड कर देंगे तो अपने आप शरीर में शेकिंग चालू होता है। हाँ, बराबर। तो वो जब शेकिंग चालू होता है तो शेकिंग करते करते इसकी हमारी पहली जो स्पीड होती है उसमें निरंतर हम बदल होता है। ओके, जैसी जैसी ऊर्जा ऊपर आती वैसे वैसे ये स्पीड ज़्यादा जाती है। ओके, और जैसी ये ऊपर आती है, ऊपर आगे आपको कुंडली में ऊर्जा आपकी जागरूक होती है। बराबर। दूसरा जो चरण है इसमें का है कि वो जिसमें आपको नृत्य करना है, डांस करना है, नृत्य करना है, जो जागृत अवस्था जो ऊर्जा जागरण हुआ है उसको एक नृत्य में शरीर में फैल जाती है, उसमें उसको आपको सरल शीतल करना है, ऊर्जा को स्टेडी करना है। स्वामी जी मुझे रोकना पड़ेगा।